सुषमा, आज हम कक्षा 10 के हिंदी पुस्तक बोधुनी के गद्य खंड से अध्याय 7 रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखित उनका निबंध परंपरा का मूल्यांकन तीसरा भाग, जो कि इसका आखिरी भाग है, इस पर चर्चा करेंगे हम। चलिए हम शुरू करते हैं इसका आखिरी भाग। साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्यों की तरह जन समुदायों और जातियों की विशेष भूमिका होती है। जो भी साहित्य है हमारा आज का, साहित्य के विकास में ऐसे जो प्रतिभाशाली मनुष्य हैं उसकी तरह जन समुदायों और जातियों की विशेष भूमिका होती है। जो जन समुदाय हैं हमारे समाज के, और जो जातियां हैं, जो भी जाति है, छोटी जाति बड़ी जाति, इसकी भी विशेष भूमिका होती है। साहित्य केवल एक से तो नहीं लिखा जाता ना, साहित्य में सभी तरह की बातें और सभी प्रकार के सभी तरह के लोगों के बारे में हमें दर्शाया जाता है। इसे कौन नहीं जानता कि यूरोप के सांस्कृतिक विकास में जो भूमिका प्राचीन यूनानियों की है वह अन्य किसी जाति की नहीं है। जन समुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं, जब ऐसे जन समुदाय एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में जाते हैं, तब उनकी अस्मिता नष्ट हो जाती है और प्राचीन यूनान अनेक गण समाजों में बटा हुआ था। आधुनिक यूनान एक राष्ट्र है। रहे हैं यहाँ पर कि जन समुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में जाती है, प्रवेश करती है, तब उसकी अस्मिता नष्ट हो जाती है। अस्मिता यानी कि उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। प्राचीन यूनान अनेक गण समाजों में बटा हुआ था, वो अनेक समाजों में बटा हुआ था प्राचीन यूनान। आधुनिक यूनान एक राष्ट्र है। यह आधुनिक यूनान अपनी प्राचीन संस्कृति से अपनी एकात्मकता स्वीकार करता है या नहीं, यानी कि एकता स्वीकार करता है या नहीं, 19वीं सदी में सैली और बायरन ने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को ऐसी एकात्मकता पहचानवाने में बड़ा परिश्रम किया। एकता पहचान बतलाने में उन्होंने बहुत ही परिश्रम किया। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इस देश ने इसी तरह अपनी एकात्मकता पहचानी, और जब आंदोलन हुआ भारतीय स्वतंत्रता का, तब उसी दौरान इसी तरह इन्होंने, इस देश ने अपनी एकता को पहचाना। इतिहास का प्रवाह ही ऐसा है कि वह विच्छिन्न है और अविच्छिन्न। मानव समाज बदलता है और अपनी पुरानी अस्मिता कायम रखता है। इतिहास का प्रवाह ही ऐसा है, इतिहास है ही ऐसा जो कि विच्छिन्न और अविच्छिन्न भी है, मतलब लगातार वो उसमें हमेशा लगातार एक ना एक वृद्धि और ह्रास होती ही रहती है। मानव समाज बदलता है और अपनी पुरानी अस्मिता को भी कायम रखता है। जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं, उनमें इतिहास और संस्कृति परंपरा के आधार पर निर्मित यह अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बंगाल विभाजित हुआ और किंतु जब तक पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों को अपनी साहित्यिक परंपरा का ज्ञान रहेगा, तब तक बंगाली जाति सांस्कृतिक रूप में अविभाजित रहेगी। जब बंगाल का विभाजन हुआ था,
उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि बंगाल के लोगों को अपनी साहित्यिक परंपरा का जब ज्ञान रहेगा तब तक बंगाली जाति जो है वो सांस्कृतिक रूप से अविभाजित ही रहेगी। विभाजित बंगाल में विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है और इस न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। यहाँ पर विभाजन को लेकर कुछ इतिहास की बातें यहाँ पर कही गई हैं। विभाजन को लेकर कि आप जब विभाजन का समय देखेंगे तब आपको ज्ञात होगा, पता चलेगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान किसमें जाता है, बंगाल में या फिर जो विभाजित पंजाब है उसमें। और इस न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या हो सकते हैं, और ये जो न्यूनाधिक ज्ञान यानी न्यूनाधिक यानी कि कमोवेश जो है इसका ज्ञान है, इसमें कम ज्यादा जिसका भी ज्ञान है, इसका जो परिणाम है वो क्या हो सकता है। एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है। जिस तरह से एक भाषा बोलने वाली एक जाति होती है उसी तरह से अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र भी होते हैं जिनका अपना एक अस्तित्व होता है। संसार में इस समय अनेक राष्ट्र बहुजातीय है, ऐसे बहुत सारे राष्ट्र हैं जिनमें बहुजातीय वास करते हैं, जिसमें बहुभाषाभाषी बहुत तरह की जातियां वास करती है निवास करती हैं। जिस समय राष्ट्र के सभी तत्वों पर मुसीबत आती है तब उनके उन्हें अपनी राष्ट्रीय अस्मिता का ज्ञान बहुत अच्छी तरह हो जाता है। जब राष्ट्र के अस्मिता अस्तित्व पर जब बात आती है तभी उन्हें अपनी पहचान होती है। जिस समय हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया उस समय यह राष्ट्रीय अस्मिता जनता के स्वाधीनता संग्राम की समर्थ प्रेरक शक्ति बनी। सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को उचित ही महान राष्ट्रीय संग्राम कहते हैं अथवा देशभक्ति पूर्ण संग्राम कहते हैं। इस युद्ध के दौरान खास तौर से रूसी जाति ने बार बार अपनी साहित्य परंपरा का स्मरण किया। रूसी जाति ने बार बार अपनी साहित्य परंपरा को याद किया। सोवियत समाज जारशाही रूस के समाज से भिन्न है, अलग है। समाज व्यवस्था के विचार से इतिहास का प्रवाह विच्छिन्न है। जातीय अस्मिता की दृष्टि से यह प्रवाह अविच्छिन्न है। जारशाही रूस के तोलस्तोय सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार हैं और रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ और पुष्ट करने वाले महान साहित्यकार हैं। समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती वरन और पुष्ट होती है। जब समाजवादी व्यवस्था कायम होती है तब ये जो जातीय अस्मिता है, जातियों का जो अस्तित्व है, यह खंडित नहीं होता, ये टूटता नहीं है बल्कि वरन यानी कि बल्कि पुष्ट होता है और भी एकजुट होता है। इसके साथ सोवियत संघ में बहुजातीय राष्ट्रीयता का पुनर्जन्म हुआ और यह राष्ट्रीयता अब एक सामाजिक शक्ति है जैसी वह 1917 से पहले नहीं थी। जारशाही रूस में बहुत सी जातियां पराधीन बनाकर रखी गई थी। जारशाही रूस में बहुत सारी जातियां पराधीन बनाकर रखी गई थी। जिन्हें की अपने कब्जे में रखा गया था, उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी। उन सब पर रूसी जाति के सामंत और पूंजीपति शासन करते थे और ऐसे सामंत और पूंजीपति उसके ऊपर उन जातियों पर शासन करते थे, उन्हें बहुत ही दुख पहुंचाते थे, उन पर अत्याचार करते थे। जैसे और बहुत से साम्राज्य होते हैं वैसे ही यह भी एक साम्राज्य, ऐसा एक साम्राज्य नहीं था, ऐसा और भी बहुत सारे साम्राज्य हैं जो ऐसी जातियों पर अत्याचार करते थे, शोषण करते थे। उसी तरह से ये रूस भी एक साम्राज्य था। 1917 की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों
के आपसी संबंधों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। परिवर्तन हुआ, बहुत सी जातियां सोवियत संघ में शामिल नहीं हुई, अलग हो गई। कुछ विलंब से, कुछ देर से ही दूसरे महायुद्ध से कुछ ही पहले अन्य जातियां उसमें शामिल हुई। सोवियत संघ में आज जितनी जातियां शामिल हैं उनका वैसा मिला जुला राष्ट्रीय इतिहास नहीं है जैसा भारत की जातियों का है। जैसा भारत की जातियों का एक राष्ट्रीय इतिहास है वैसा और किसी भी देश का नहीं है। राष्ट्र के गठन में इतिहास का अविच्छिन्न प्रवाह बहुत बड़ी निर्धारक शक्ति है। अविच्छिन्न जो लगातार जो प्रवाह है बहुत बड़ी एक निर्धारक शक्ति है। यूरोप के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं पर यूरोप कभी राष्ट्र नहीं बना और अब तो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप दो यूरोपों का अलग उल्लेख आम बात है। उन्हें अलग अलग बताना ये तो आम बात है। संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। यानी जितनी बहुजातियां अलग अलग तरह की जातियां अलग अलग तरह की भाषाएं भारत में है वैसा और किसी भी देश में नहीं है। यहाँ राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई है। वह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। यह हमारे संस्कृति और इतिहास की देन है। हमारे भारत का इतिहास संस्कृति और इतिहास का देन है। एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई है वह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। इस संस्कृति के निर्माण में इस देश के कवियों का सर्वोच्च स्थान है और इस संस्कृति के निर्माण में जो हमारे भारत की संस्कृति है इसके निर्माण में कवियों का सर्वोच्च स्थान है। कवियों ने भी इसमें अपनी पूरी क्षमता लगाई है, अपना पूरा बल लगाया है हमारे संस्कृति को बनाने में। इस देश की संस्कृति से रामायण और महाभारत को अलग कर दे तो भारतीय इतिहास की आंतरिक एकता टूट जाएगी। हमारे भारत में जो रामायण और महाभारत का जो इतिहास रचा गया है अगर इसे हम अलग कर दे अपने भारतीय साहित्य से तो हमारे जो आंतरिक एकता है वो कुछ भी नहीं रहेगी, टूट जाएगी। किसी भी बहुजातीय राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों की ऐसी निर्णायक भूमिका नहीं रहेगी जैसी इस देश में व्यास और वाल्मीकि की है। जैसा कि व्यास और वाल्मीकि जी ने हमारे समाज के लिए हमारे सामाजिक संस्कृति के लिए जो योगदान दिया है वैसा और कोई नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी देश के लिए साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इस देश के लिए है, जितना कि हमारे भारत के लिए है। जितना साहित्य हमारे भारत के लिए महत्वपूर्ण है उतना और किसी देश के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रखता। यदि समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जारशाही रूस नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो सकता है तो भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर यहाँ की राष्ट्रीय अस्मिता पहले से कितना पुष्ट होगी, पहले से कितनी पुष्ट होगी इसकी कल्पना की जा सकती है, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, असलियत में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, हमारी राष्ट्रीय जरूरत है। पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का इतना अपव्यय होता है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। पूंजीवादी जो व्यवस्था होती है, जो उद्योगपति होते हैं, व्यवसायदार होते हैं, जो उनमें शक्ति का बहुत ही अपव्यय होता है, मतलब वो बहुत शोषण करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। देश के साधनों का सबसे अच्छा उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अनेक छोटे बड़े राष्ट्र जो भारत से ज्यादा पिछड़े हुए थे समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं और उनकी क्रांति की रफ्तार किसी भी पूंजीवादी देश की अपेक्षा तेज है।
जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने समाज में समाजवादी व्यवस्था कायम की है, उनका राष्ट्र पहले की अपेक्षा बहुत सुधर गया है और उनमें बहुत विकास होता है, जो कि पूंजीवादी व्यवस्था से बिल्कुल अलग है और बहुत ही तेज है और भी आगे बढ़ रही है। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। और साहित्य का परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। समाजवादी संस्कृति पुरानी संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती। समाजवादी जो संस्कृति है वो पुरानी संस्कृति से अपना नाता नहीं तोड़ती है, अपना रिश्ता बनाए रखती है, वह उसे आत्मसात करके आगे बढ़ती है। अभी हमारे देश की निरक्षर निर्धन जनता नए और पुराने साहित्य को महान उपलब्धियों के ज्ञान से वंचित है। अभी जो हमारे देश की जो निर्धन निर्धन जनता है और पुराने साहित्य की महान उपलब्धियों के ज्ञान से वंचित है, अभी उसके बारे में उन्हें नहीं पता है। जब वह साक्षर होगी, साहित्य पढ़ने का उसे अवश्य अवहास होगा, सुविधा होगी, तब ब्यौरा और तब व्यास और वाल्मीकि के करोड़ों नए पाठक होंगे। तब जब इस तरह से उन्हें ज्ञान होगा हमारी जनता को हमारे साहित्य के बारे में, जब उनसे अवगत होंगे हम, तब व्यास और वाल्मीकि के जो करोड़ों नए पाठक और भी होंगे, उन्हें और भी जानने वाले लोग होंगे और उनके उनके द्वारा लिखी गई कविताओं को पढ़ने वाले और भी कई पाठक उन्हें पढ़ेंगे और जानेंगे। वे अनुवाद में ही नहीं, उन्हें संस्कृति में भी पढ़ेंगे, केवल अनुवाद में ही नहीं उनकी संस्कृति में भी पढ़ेंगे। और तब इस देश में इतने बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा कि सुब्रह्मण्य भारती की कविताएं मूल भाषा में उत्तर भारत के लोग पढ़ेंगे और रविंद्रनाथ की रचनाएं मूल भाषा में तमिलनाडु के लोग पढ़ेंगे। जब ऐसा होगा तब अलग अलग भाषाओं के लोग भी अलग अलग भाषाओं वाली कविताएं पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ उदाहरण में कहा गया है कि रविंद्रनाथ की रचनाएं मूल भाषा में तमिलनाडु के लोग पढ़ेंगे, सुब्रह्मण्य भारती की कविताएं मूल भाषा में उत्तर भारत के लोग पढ़ेंगे। यहाँ की विभिन्न भाषाओं में लिखा हुआ साहित्य जातीय सीमाएं लांघ कर सारे देश की संपत्ति बनेगा। जिस भाषा के बोलने वाले अधिकतर निरक्षर हैं और अपने साहित्यकारों का बहुत नाम सुनते हैं, जिस भाषा के बोलने वाले अधिक निरक्षर हैं, जहाँ बहुत सारे जो भी मनुष्य हैं और अपने साहित्यकारों का बहुत नाम सुनते हैं और जो जिन्हें जो साहित्यकार पसंद होता है उसके बहुत नाम सुनते हैं, वे तो उनकी रचनाएं पढ़ेंगे ही। और तब अंग्रेजी भाषा प्रभुत्व जमाने की भाषा न होकर वास्तव में ज्ञान अर्जन की भाषा होगी। तब अंग्रेजी भाषा को, जैसे कि आज मनुष्य समझते हैं अंग्रेजी भाषा को बोलना बहुत ही जरूरी है, कहीं भी अंग्रेजी भाषा का बहुत महत्व है, इसलिए बहुत सारे मनुष्य अंग्रेजी सीख लेते हैं, बस बोलना सीख लेते हैं, बहुतों को लिखने में प्रॉब्लम होती है। और जब इस तरह की रचनाएं वो पढ़ेंगे तब मनुष्य केवल अंग्रेजी को बोलने और लिखने के लिए नहीं, वो ज्ञान अर्जन करने के लिए सीखेगा। और हम केवल अंग्रेजी नहीं, यूरोप की अनेक भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करेंगे। अब तब हम केवल अंग्रेजी ही नहीं और भी जो भाषाएं हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे और एशिया की भाषाओं के साहित्य से हमारा परिचय गहरा होगा।
तब मानव संस्कृति की विशद धारा में भारतीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान होगा, नया एक योगदान होगा। जिस दिन हमारा भारत इस तरह के कार्यों को करेगा और इस तरह से ज्ञान अर्जित करने में अपने आप को सक्षम करेगा, उस दिन गौरवशाली परंपरा का एक नया योगदान होगा। तो आज का हमारा जो तीसरा भाग था, आखिरी भाग, परंपरा का मूल्यांकन, राम विलास वर्मा जी के द्वारा लिखा गया उनका निबंध, यह समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा और आप लोग इसकी तैयारी अपने घर पे अच्छी तरह से करेंगे। थैंक यू।